हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नो मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप QR का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट अगर आपको प्रोफाइल को कोई सर्च कर रहा है लेकिन उसे नहीं मिल रहा है, तो आप QR का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी QR कोड भेज सकते हैं और वो आपकी प्रोफाइल को काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपकी प्रोफाइल को फॉलो भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा मुझे रिस्पॉन्स दिया था कि भाई मेरी प्रोफाइल खोजने में दिक्कत होती है। इससे पहले मैंने यूज़र नेम पर भी वीडियो बना ली है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर चेंज देख सकते हैं कि यूज़र नेम कैसे चेंज किया जाता है। तो फिलहाल आज मैं QR कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में जो ऑप्शन मिल रहा है QR का, इस पर आपको सिंपली एक बार टैप कर देना है। टैप करते ही आप देख सकते हैं कि ये आपका QR कोड आ चुका है सामने में, और इसे आपको सिंपली नीचे में जो सेव इमेज का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार टैप कर लेना है। तो ये आपका इमेजेस टैप करके सेव हो चुका है। अब फ्रेंड, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आपने इमेजेस तो भेज दी, अब उनके पास अगर दो मोबाइल है तो ही आपका वो स्कैन कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल दैट मान लीजिए उनके पास एक ही मोबाइल है, तो वो फिर कैसे करेंगे? तो आपने जो इमेज भेजी है वो सेव हो चुकी है उनके पास। अब आपको क्या करना है कि उनको बोलना है कि सिंपली आपको फिर से बैक आ जाना है, और वो अपने चले जाएंगे QR कोड के ऑप्शन में, और यहाँ पर स्कैन QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एल्बम का ऑप्शन आ रहा है, एल्बम पर टैप कर देना है। एल्बम पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपना ही QR कोड सिलेक्ट किया है और श्योर कर लिया। तो जैसे ही मैं श्योर करता हूँ तो मेरा प्रोफाइल खुल चुका है। तो देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी प्रोफाइल को खोल सकते हैं, क्योंकि मेरा ही ये QR कोड था इसलिए मेरी प्रोफाइल खुली। बट आप अगर किसी को व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो वो उनकी प्रोफाइल खुलेगी इस तरीके से QR कोड को स्कैन करने पर, और आप अपनी खुद की भी QR कोड बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि नई वीडियो जैसे ही आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरा कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय।